हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यू जो फ्रेम किए गए हैं 14 और 15 नवंबर के करंट अफेयर से। दोस्तों, आप इस लेक्चर के पीडीएफ पा सकते हैं मेरे इस फेसबुक पेज पर, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके मन में कोई सजेशन हो तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इस ईमेल आईडी पर। आपको किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, आपको किस टॉपिक पे चाहिए और हमारा ये जो एमसीक्यू वाला वीडियो है इसमें और क्या सजेशन दे सकते, मतलब इसमें हम और क्या चेंज कर सकते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियोस होते हैं हमारे वो आपके लिए होते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, आपको पता है हमने दोस्तों एसएससी के लिए, बैंक के लिए और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनके लिए अपने पेनड्राइव कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। आप इन कोर्सेज को ऑर्डर कर सकते हैं हमारे साइट पर जाकर के, या आप इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो भाषा संबंधित, इसमें क्या कवर किया जाएगा संबंधित, आप बेझिझक होकर इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। दोस्तों, पहला न्यूज़ आया है द हिंदू में, इसमें जिक्र किया गया है अराकू बलून फेस्टिवल का। तो सवाल देखिए इस न्यूज़ पर, पहला है इट इज़ एन इंटरनेशनल फेस्टिवल विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय आंध्र प्रदेश टूरिज्म। जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसका मकसद होता है जो अराकू वैली है उसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना। तो अगला लाइन देखिए, द इवेंट इज एम्ड एट, ये जो फेस्टिवल होता है इट इज एम्ड एट शोकेसिंग द अराकू वैली एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों, ये जो अराकू वैली है वो अपने ईस्टर्न घाट का जो पैरानॉर्मिक व्यूज है उसके लिए फेमस है, जो कॉफी प्लांटेशन होती है उसके लिए फेमस है और जो वाटरफॉल्स होती हैं उसके लिए फेमस है। मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या है दोस्तों, सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। दोस्तों, अगली न्यूज़ है कि विंग्ड गेस्ट्स फ्लॉक टू चिल्का। दोस्तों, जो चिल्का लेक है वहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आते हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं नॉर्थ, सेंट्रल और ईस्ट साइबेरिया से, चाइना से, मंगोलिया से, वेस्ट एशियन कंट्री से और हिमालयन रीजन है वहाँ से। दोस्तों, इस साल हुआ क्या कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो थोड़े देर से आ रहे हैं। दिस ईयर द अराइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड वाज स्लाइटली डिलेड ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो दोस्तों, हमने सवाल फ्रेम किया है इस चिल्का झील पर। दोस्तों, ये क्या है, ये एक लगून है, ठीक है, इट इज़ कंट्रीज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। तो सवाल देखते हैं हम लोग लगून पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून, अष्टामुड़ी लेक, चिल्का लेक, पेरियार लेक, पुलिकट लेक। तो दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का आंसर करना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर एक लगून होता क्या है। लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय बैरियर आइलैंड्स और रीफ। दोस्तों, एक छोटा सा जो पार्ट होगा ज़मीन का वो उसे एक बड़े बॉडी से अलग कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है चिल्का लगून, ये एक छोटा वाटर बॉडी है ना। इसके नीचे है दोस्तों बे ऑफ बंगाल, जो कि एक बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी है। इसे, ये जो छोटी सी स्ट्रिप दिख रहा है ना लैंड की, ये इसे अलग करता है बड़े वाटर बॉडी से, किसको, चिल्का लगून को। तो दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं लगून, जो छोटा वाटर होता है ना उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो अष्टामुड़ी लेक है, चिल्का लेक है और जो पुलिकट लेक है, ये तीनों हैं जो लगून्स हैं, पेरियार लगून नहीं है, ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन रिजेस। तो दोस्तों, क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा लगून नहीं है। मेरा आंसर होगा यहाँ पर सी, पेरियार लेक इज नॉट अ लगून। देखिए, ये है अष्टामुड़ी लगून मैप, यहाँ पर देख रहे हैं ये एक लगून है, चिल्का तो लगून है ही। दोस्तों, जो अष्टामुड़ी है वो है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, केरला में। और देखिए नीचे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पेरियार लेक है जो कि इनलैंड है, वो है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये एक लगून नहीं है, ये बड़े वाटर बॉडी से जो है वो नहीं सेपरेट होता। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है पुलिकट लेक, है ना, जो कि बे ऑफ बंगाल से अलग हो रहा है एक छोटे से लैंड स्ट्रिप के द्वारा, समझ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो इंटरनेशनल लगूनस हैं उसमें से एक है तुर्कमेनिस्तान में, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है छोटी वाटर बॉडी, ये है बड़े वाटर बॉडी और ये इसे अलग कर रही है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों है, ये है वेनिस लगून, ठीक है, ये बड़े वाटर बॉडी, ये है छोटे वाटर बॉडी। तो ये होता है लगून, कौन कौन से लगून हैं, अष्टामुड़ी, चिल्का और पुलिकट, पेरियार लगून नहीं है। अगला सवाल दोस्तों फ्रेम किया गया है पीआईबी से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल इंडिसेस। देखिए, इंडेक्स, इंडेक्स का प्लुरल होता है, देखिए इंडेक्स जो है वो एक सिंगुलर है, ठीक है, इसका जो प्लुरल होगा, इसका जो बहुवचन होगा वो क्या होता है, आई एन डी आई सी ई एस,
ठीक है, इंडेक्सेस नहीं होता, इंडिसेस होता है, ठीक है। उसी तरह जो न्यूक्लियस होता है, NUCLEUS, न्यूक्लियस, आप जानते हैं ना कि एटम के अंतर्गत, के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर है न्यूक्लियस, इसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो शेल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड एनर्जी के होते हैं। ये जो एनर्जी, ये जो शेल है, इस शेल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑर्बिट है ना, इसमें जो रह रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी अलग होगी, इसमें जो रह रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी अलग होगी, समझ रहे हैं। तो इसके जो न्यूक्लियस, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब न्यूक्लियस का हम बनाएंगे बहुवचन तो क्या होता है, न्यूक्लियाई हो जाता है, NUCLEI, ठीक है, ये न्यूक्लियाई बन जाता है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि कौन सा इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुआ है ओवर द पास्ट ईयर और टू। हमारा जो WEF है, हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, उसमें जी हाँ जी, हमने इसमें अपना जो रैंक है वो इम्प्रूव किया है। वी हैव मूव्ड अप 32 प्लेसेस इन द लास्ट टू ईयर्स इन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ऑफ द WEF। कितना इंडेक्स हमने यहाँ पर 32 प्लेस को जंप किया है ऊपर। WIPO का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें हमने 21 प्लेस का जंप किया है। और वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें हमने 19 प्लेस का जंप किया है ऊपर। मेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है, मेरा आंसर है यहाँ पर डी। दोस्तों इस तरह जब हम सवाल करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है दो, पहला तो हमको बताएं कि आखिर हो क्या रहा है, दूसरा आखिर हम आपको हम ये बताएं कि इससे हम और सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसे कौन निकालता है, क्या कहना है आपको, वर्ल्ड बैंक निकालता है, समझ रहे हैं ना। सवाल देखिए यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का है। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो किसका है, WIPO का है। और जो ग्लोबल कंपिटिटिव इंडेक्स जो है किसका है, वो WEF का है। तो ये सवाल था PIB से। अगला सवाल दोस्तों PIB से ही है, जो PM है वो IRRI को विजिट करते हैं, जो देखिए यहाँ पर उसके बारे में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, मोर देन हाफ ऑफ द राइस एरिया इन एशिया इज प्लांटेड टू IRRI ब्रेड वराइटीज और देयर प्रोजेनीज। दोस्तों ये बात सही है क्या, दोस्तों बिल्कुल सही है जी, मेरा पहला सही है। इसका मिशन क्या है, देखिए हमारा जो UN का जो SDG 1 है वो कहता है कि वी विल एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर। हर तरह की पॉवर्टी, पॉवर्टी दोस्तों कई तरह की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, रिलेटिव पॉवर्टी होती है, समझ रहे। तो हर तरह की पॉवर्टी हमें एंड करना है, हमें एवरीवेयर। SDG 2 ये कहता है कि हम जो हंगर है उसको हम एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे, जो फूड सिक्योरिटी है उसको हम अचीव करेंगे। फूड सिक्योरिटी क्या होती है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ दे आपके इंटरव्यू में या फिर UPSC मेंस में ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए या प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ जाए कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है और आपको इसमें दो तीन लाइनें दे दे, तो देखिए फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो फूड जो है वो आपको हर समय मौजूद हो, ठीक है, एवरी टाइम जब आपको ज़रूरत हो आपके पास फूड मौजूद हो। वो फूड अफोर्डेबल रेट पर होना चाहिए, मतलब कि वो फूड इतना सस्ता होना चाहिए जिसे आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अफोर्डेबल फूड, ये दूसरी प्रॉपर्टी है फूड सिक्योरिटी की। अगर हम कहते हैं कि हम एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी जो होगा, मतलब जो फ्यूल जो होगा वो हमारे पास जब हमें ज़रूरत हो तब हमारे पास होना चाहिए, जो बिजली हो वो हमें जब हमारे पास ज़रूरत हो तब हमें होना चाहिए, प्लस जो एनर्जी होगा वो हमें अफोर्डेबल रेट पर अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास एनर्जी तो अवेलेबल है मगर उसका दाम काफ़ी ज़्यादा है, समझ रहे हैं, तब उसे हम एनर्जी सिक्योरिटी नहीं कहेंगे। अगर फूड का दाम काफ़ी ज़्यादा होगा तो उसे हम फूड सिक्योरिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो गरीब हैं वो फूड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो फूड खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये है फूड सिक्योरिटी का मतलब। एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, दोस्तों जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है उसे भी हमें एलिमिनेट करना है। तो जो IRRI है उसका मिशन क्या है, देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम है पॉवर्टी को और हंगल को रिड्यूस करना थ्रू राइस साइंसेज। ध्यान दीजिएगा वो चावल से संबंधित है, जैसे कि नाम से दिख रहा है आपको, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
It will improve the health and welfare of rice farmers and consumers. It will protect the rice growing environment for future generation. ठीक है, IRRI is an independent, not profit and research and educational institution. It was founded in 1960 by Ford and Rockefeller Foundation. दोस्तों इसे सपोर्ट मिला था फिलीपींस गवर्नमेंट से. तो इसका जो मिशन है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू यूएन का एसडीजी 1 और 2. जी हाँ दोस्तों, ये चाहता क्या ही चाहता है कि हम जो हंगर हैं उसको हटाएं, जो पॉवर्टी है उसे हटाएं. तो देख रहे हैं ना, अगर हम लोग हंगर एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एसडीजी 2 है वो हो जाएगा कंप्लीट, मेरा जो पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा एसडीजी 1 हो जाएगा अचीव. समझ रहे हैं ना, तो इसका जो एम है वो एसडीजी 1 और 2 दोनों संबंधित है. मेरा सेकंड सही है. इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, क्या बात सही है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है. मेरा थर्ड गलत हो गया. मेरा आंसर क्या है दोस्तों, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है. मेरा आंसर है 1 और 2, बी इज द राइट आंसर. चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों. इस सवाल मैप संबंधित है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विथ लेबनान. लेबनान से कौन सा कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करता है? सीरिया, सऊदी अरेबिया, इसराइल, जॉर्डन. तो देखिए यहाँ पर है इसराइल, यहाँ है सीरिया. तो देखिए यहाँ पर जो कंट्री है लेबनान का, उससे शेयर करता है सीरिया, और यहाँ पर है इसराइल. 1 और 3 इज द राइट आंसर. बी है मेरा आंसर, 1 और 3 ओनली. ठीक है, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया इससे शेयर नहीं करता. देख रहे हैं ये आपके बाउंड्री दिख रही है, और कोई कंट्री दिख रहा है आपको? नहीं ना. मेरा आंसर है यहाँ पर बी, 1 और 3 ओनली. दोस्तों यहाँ पर जो द हिंदू है उसमें 14 नवंबर को आर्टिकल आया ईस्टर्न प्रोमिस, जिसमें बात की गई थी हमारे जो पीएम गए थे फिलीपींस टू अटेंड आसियान एंड ईस्ट एशिया समिट. ठीक है, तो सवाल हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ईस्ट एशिया पर, हमने आसियान पर भी सवाल डिस्कस किए हैं पहले. तो चलिए, जो कंट्रीज़ होती हैं, हमारा जो इंडिया है उस पर सवाल काफ़ी आता रहता है कि इंडिया है जो इस ग्रुप का मेंबर है क्या. तो देखिए, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, G8+5, G20, G4. दोस्तों G20 का मेंबर तो है ही इंडिया. ठीक है, तो और जो G4 है, G4 में कौन कौन से देश हैं? दोस्तों इसमें है इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील. इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप, ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है. दे सपोर्ट ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट सीट ऑन द UNSC. UN का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें परमानेंट मेंबरशिप के लिए ये जो चारों देश हैं वो अपने अपने दावेदारी पेश करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. मतलब कि जो इंडिया है वो जर्मनी को सपोर्ट करता है, जापान को सपोर्ट करता है, ब्राज़ील को सपोर्ट करता है, खुद के मतलब जैसे कि खुद को इंक्लूड करके, मतलब कि हम भी जाएंगे, अब हमारे साथ आप तीनों भी चलिए परमानेंट मेंबर बन करके. ठीक है, तो ये है G4. तो ये जो G4 में क्या है, इसमें इंडिया इंक्लूडेड है. मेरा थर्ड सही है. G8+5, इसमें दोस्तों हैं US, UK, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कनाडा, जापान, रशिया, जिसे को अब हटा दिया गया है. इसके अलावा दोस्तों जो चाइना है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको, ये भी G8+5 का मेंबर है. अगर मैं कहता कि G8 जो कि अब G7 बन चुका है क्योंकि रशिया को निकाल दिया गया था, है ना, तो अगर G8 दिया होता केवल, तो यहाँ पर G8 गलत होता. इंडिया G8 मतलब कि G7 का मेंबर नहीं है. मगर अगर मैं कहता हूँ कि G8+5 तो इंडिया इसका मेंबर है. ठीक है ना, मेरा आंसर क्या है, 1, 2 और 3. पूछ रहा है कि कौन सा मेंबर नहीं है, किस ग्रुप का मेंबर नहीं है. 1 ओनली 2 और 3 ओनली 3 ओनली. मेरा आंसर है डी, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑल ऑफ देम. या अगर मेरा ऑप्शन होता ई, नन ऑफ द एबव, तो मेरा आंसर होता क्या, ई, किसी का भी मेंबर नहीं है. मतलब कि जो इंडिया है वो इन तीनों का मेंबर है. समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूँ. तो देखिए, G20 इज मेड अप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 19 कंट्रीज. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की गई है देशों के वित्त मंत्री की, और जो सेंट्रल बैंक हैं उन कंट्रीज़ में, उसका जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके गवर्नर्स की. इंडिया का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो कौन है, वो RBI है. RBI का जो गवर्नर होता है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं G20 में. अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चाइना, फ्रांस. अच्छा दोस्तों, जब भी आप किसी ग्रुप को देखें तो हमारे जो नेबर्स हैं उनको देखना चाहिए कि क्या वो मेंबर हैं. तो देखिए, इंडिया का मेंबर है, चाइना है, पाकिस्तान है, नीचे नेपाल है, जैसे कि नॉर्थ में नेपाल है, फिर नीचे बांग्लादेश है, म्यांमार है,
समझ रहे ना। तो जब देखें तो आप देखिए यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो G8 का मेंबर नहीं है, ठीक है ना। चाइना है जी, बिल्कुल है। श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो चाइना है और इंडिया है साउथ एशिया से। उसके अलावा अब देखिए जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में ब्राज़ील है जी, चाइना है जी, रशिया भी है, इंडिया भी है और साउथ अफ्रीका भी है। मतलब कि ब्रिक्स के जो पांचों मेंबर हैं BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और क्या साउथ अफ्रीका, ये पांचों मेंबर हैं इस G20 के, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे अगला कि ऑल द ब्रिक्स मेंबर आर मेंबर्स ऑफ G20, क्या कहना है आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। ब्रिक्स के पांच मेंबर हैं जो G20 के मेंबर्स हैं। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक एज वेल एज आसियान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, थाईलैंड। दोस्तों इसमें से जो म्यांमार है वो बिम्स्टेक का, BIMSTEC, बिम्स्टेक का, और आसियान का, इन दोनों मेंबर है। मालदीव, मालदीव है क्या? देखिए यहाँ पर मालदीव नहीं है। हमारा जो थाईलैंड है वो दोनों का मेंबर है। आसियान में है 10 कंट्रीज, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर। बिम्स्टेक में है इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। दोस्तों जो बिम्स्टेक है उसे हम लिंकिंग ग्रुप कहते हैं साउथ एशिया का और साउथ ईस्ट एशिया का। क्यों? क्योंकि इसमें साउथ एशियन कंट्री भी हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं म्यांमार और थाईलैंड, ये दोनों क्या है, ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब क्या है, ये सब साउथ एशियन कंट्रीज हैं, दक्षिणी एशियाई कंट्री हैं, ठीक है। मेरा आंसर क्या दोस्तों, यहाँ मेरा आंसर यहाँ पर B, 2 and 5 ओनली आर करेक्ट। इसके अलावा इंडिया सार्क का, बिम्स्टेक का, कॉमनवेल्थ का, UN का, मेकोंग कॉर्पोरेशन का, एशिया कॉर्पोरेशन डायलॉग का, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, IBSA, ईस्ट एशिया समिट, SCO और बिम्स्टेक, इन सब का मेंबर है। ध्यान रखिएगा अब से कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसको रिवाइज करते रहिए। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। दोस्तों राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जो है, इट इज़ डेवलप्ड बाय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इट एम्स टू इनकलकेट अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी एंड लव फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। बच्चों में एक जिज्ञासा जगानी है साइंस के प्रति और मैथ के प्रति। तो हमारा ऑप्शन देखिए, टू प्रमोट R&D इन हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टू इनकलकेट लव फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। बाकी दो हैं जो गलत हैं। अगला सवाल दोस्तों है हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग NCM, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इट्स चेयरपर्सन शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, क्या बात सही है। दोस्तों ये इसका टर्म 5 साल का नहीं होता, 3 साल का होता है, मेरा पहला गलत हो गया। इट इज सेटअप बाय द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 2001, क्या बात सही है। दोस्तों इसको सेटअप किया गया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, 2001 नहीं, मेरा सेकंड गलत है। इट, अच्छा देखिए मैंने आपसे कहा कि कौन सा इनकरेक्ट है, मुझे पता चला कि मेरा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत है, तो जो मेरा जो आंसर होगा उसमें 1 and 2 दोनों आएगा, है ना। देखिए यहाँ 1 and 2 है, यहाँ 1 and 2 है, मतलब मेरा जो बी है और सी है वो तो आंसर हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि वहाँ 1 and 2 तो है नहीं। 1 and 2, 3 और 4, अगर मुझे 3 और 4 में कोई भी एक करेक्ट मिल जाता तो मैं क्या करूँगा, मैं झट से मैं ए लगा दूंगा, क्योंकि अगर करेक्ट निकल गया 3 and 4 तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। इट एम्स टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जी हाँ दोस्तों, इट वॉज सेटअप टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। संविधान के जो प्रोविजन्स हैं, पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं, और जो हमारे जो राज्य के जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, विधानसभाएं हैं, उनके द्वारा माइनॉरिटीज़ को अगर कोई अधिकार दिया जाता है तो उस अधिकार को वो सेफगार्ड करेगी, उसे प्रोटेक्ट करेगी, कौन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। मेरा 3 सही है, मेरा आंसर आ गया ए, क्योंकि 3 तो आंसर होगा नहीं, है ना, क्योंकि 3 है जो सही है, 4 भी सही है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों, RCEP
रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये हमेशा जैसे कि आसपास में न्यूज़ में आता रहता है, क्यों? क्योंकि ये अभी किसमें है, अभी इसका जो निशेशन वो चल रहा है, इसमें जो इसके जो टर्म्स होंगे उसमें भी उसको भी तय किया जा रहा है। तो ये जो RCEP है, इट इज़ एन अफेयर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंट्री, वो ग्रुप ऑफ कंट्री कौन सा है? ब्रिक्स, सार्क, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आसियान। आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप दीजिए। अगला सवाल देखते हैं, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ, इट इज़ द वर्ल्ड्स बेंचमार्क मेजर ऑफ एयरपोर्ट एक्सलेंस अवार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरपोर्ट एज द टॉप एयरपोर्ट ऑफ फॉर 2 times कंसेक्यूटिवली, श्रीनगर, जयपुर, दिल्ली, कोचीन। दोस्तों ये मिला है जयपुर को। मेरा आंसर क्या है दोस्तों? बी। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए कौन सा कंट्री है जिसने NIIF मतलब कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा फंड, इसमें पहला जो कंट्री इन्वेस्ट करने वाला वो कौन है दोस्तों? है वो है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। NIIF जो है, इट इज़ अ फंड क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इन्हेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन द कंट्री। दोस्तों अगर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ाना है तो क्या होगा? हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जो रोड्स वगैरह हैं, पुल है, पोर्ट्स है, इन सबको हमें डेवलप करना होगा, प्लस जो भी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट की, जैसे कि वाटरवेज हो गया, उसे बनाना होगा। क्या होगा? उससे ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होगा कम होगा, जो एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ेगा, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए अगला सवाल है, डिक्लेयर द डेंगू एज एपिडेमिक, ये कहना है एक PIL का। सवाल देखिए, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों दो सवाल, पहला सवाल होगा डेंगू पर, दूसरा सवाल होगा PIL पर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट वेक्टर बॉर्न डिजीज। दोस्तों वेक्टर बॉर्न डिजीज वो होती हैं जो कि एक वेक्टर द्वारा फैला जाती हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, मच्छर फैलाता है डेंगू, समझ रहे हैं ना? जो जीका वायरस होता है वो भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट वेक्टर बॉर्न डिजीज, डेंगू, चिकनगोनिया, TB, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो TB है ये जो होता है वो वेक्टर से नहीं फैलता, ठीक है ना? तो देखिए बाकी डेंगू, चिकनगुनिया और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस दोस्तों ये सब वेक्टर से फैलते हैं, मगर जो TB है वो नहीं फैलता। मेरा आंसर क्या है? 3 एज मेरा सही है, क्योंकि ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है। मेरा आंसर है यहाँ पर B, 3 ओनली इज करेक्ट। वेक्टर बॉर्न डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एंथ्रोपॉड स्पीसीज लाइक मॉस्कीटोज, टिक्स, सैंड फ्लाइज, ब्लैक फ्लाइज, समझ रहे हैं ना? जो डेंगू है, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस आर वेक्टर बॉर्न डिजीज। हमने कहा कि अगला सवाल होगा PIL पर। सवाल देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PIL? दोस्तों इट इज अ केस ब्रॉट बाय एनीवन टू कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट। दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो हमारा जो जनता है उसका कोई इंटरेस्ट का हानि हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप? कोर्ट में जा सकते हैं उस इशू को लेकर के, उसे सही करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई सारे जो लोग होते हैं वो PIL फाइल करते हैं कि हमारा जो गीता है उसको, जो इसको आप नेशनल लिटरेचर डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है ना? तो क्या लगता है, जैसे कि उन्हें लगता है कि इसे डिक्लेयर करने से हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो और अच्छा होगा, समझ रहे हैं ना? तो कुछ भी, मतलब जैसे कि वो लोग कई सारे जो इशू होते हैं वो ले आते हैं कोर्ट के पास। तो देखिए, जैसे कि होता क्या है कि अगर आपका कोई अधिकार हनन हुआ है तो आपके पास ले जाएंगे, वो कहेंगे कि ये जो कानून है, जैसे कि कोई कानून लेते हैं, जैसे कि RTI है, RTI का जो हमारे जो अथॉरिटी हैं वो सही से पालन नहीं कर रहे इनके नियमों का, तो आप जाकर के एक RTI फाइल कर सकते हैं, सॉरी आप जाकर के PIL फाइल कर सकते हैं कोर्ट में कि देखिए ऐसा सा बात है, इसको आप सही कीजिए, ठीक है? तो इसको यहाँ पर जो लोकल असेंडाई का जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि केवल वही व्यक्ति केस फाइल करेगा जो उसे संबंधित है, ये यहाँ पर जरूरी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए ने बी को मारा, इसका सर फोड़ दिया, ठीक है, तो जो केस फाइल करेगा वो बी फाइल करेगा, ठीक है? इसे हम लोग PIL नहीं कहेंगे, क्योंकि बी जो है वो अफेक्टेड पर्सन है और ये एक क्रिमिनल केस फाइल करेगा ए के अगेंस्ट, ठीक है ना? यहाँ पर इसका जो इंटरेस्ट है वो सेव हो रहा है, क्योंकि इसका सर फूटा है। तो जो PIL होता है उसे कोई भी जा करके फाइल कर सकता है। द केस विल इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट। PN भगवती वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डूइंग July 1995। देखिए उसके जो टेन्योर था, उसके समय जो PIL था वो इंडिया सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जो PIL है वो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जिसे हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। सी मेरा सही है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड इन UK,
ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा। दोस्तों जो पीएल का सिस्टम था वो जनरेट हुआ था यूएसए में। मेरा आंसर है क्या, सी, यूएसए इज करेक्ट। दोस्तों इसके बाद जो बातें हैं वो मैंने मेंशन कर दी है पीएल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980s डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म ऑफ पीएल टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। दोस्तों अगर ए के पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा, जो दूसरा व्यक्ति बी है वो इसके जगह पर एक पीएल फाइल कर देगा, मतलब कि एक केस फाइल करेगा, ठीक है, ताकि ए को जो जस्टिस है वो मिल सके। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि हमारे जो इनमेट्स हैं, मतलब कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिसके खिलाफ अभी तक कोई केस, मतलब कि जैसे कि वो नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ है कि हाँ आप जैसे कि आप क्रिमिनल हैं नहीं, तो आप एक पीएल फाइल कर सकते हैं कि जो हमारे जो अंडर ट्रायल्स हैं उन्हें कुछ समय बाद छोड़ दिया जाए, मतलब कि अगर वो अपना आधा जो सजा है वो काट लें। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने हत्या के लिए जैसे कि आपको बंद किया गया है जेल में, और हत्या के लिए जो सज़ा है वो है 7 साल का, ठीक है, और अगर आपने अंडर ट्रायल हो करके 3.5 साल का जो सज़ा है उसने आप काट लिया है, तो जो जजमेंट है उसके अनुसार आपको आपको जो है वो और नहीं रह सकते, आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसा आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई डैट अ पर्सन हुज राइट इज इन्फ्रिंज्ड एलोन कैन फाइल अ पिटीशन हैज बीन रिलैक्स्ड। मतलब कि अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज्ड हुआ है तो केवल आप ही नहीं, आपकी जगह कोई और दूसरा आपका दोस्त है या कोई और आपका जो शुभचिंतक है वो जाकर के केस फाइल कर सकता है, ठीक है। जो पी आई एल है इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल ए पी आई एल इन हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट हैज बीन वायलेटेड, ठीक है। तो बाकी बातें पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, हमने यहाँ पर दी है और कुछ चीज़ें कि हमारा जो पी आई एल का सिस्टम है उसमें क्या खामियाँ हैं, क्या फ्लॉज हैं उसमें, इसको आप देख सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों है हमारे तेजस से, एल सी ए लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो एल सी ए गेट्स अ फ्रेंडली मोरल लिफ्ट, यहाँ पर सवाल देखिए एल सी ए के बारे में। विथ रेफरेंस टू तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज द लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ऑफ इट्स क्लास। क्या ये सुपरसोनिक है, जी हाँ जी बिल्कुल सुपरसोनिक है। क्या यह लाइटेस्ट है, जी हाँ जी ये अपने क्लास में सबसे हल्का है, मेरा पहला सही है। इसके पास मल्टीपल रोल भी है, ये अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। अगला सवाल देखिए, इट वॉज डेवलप्ड बाई इंडिया इन कोलेबोरेशन विथ इसराइल, क्या बात सही है, नहीं जी इसे हॉल ने और एडीए ने मिलकर के डेवलप किया है, मेरा सेकंड गलत है। दोस्तों जो बराक मिसाइल है BARA, जो बराक है ना इसे हमने इसराइल का जो इसराइल है उसके साथ हम डेवलप किया है, और जो ब्रह्मोस है इसे हमने इंडिया और रशिया के साथ मिलकर डेवलप किया है। ड्यू टू स्ट्रेटजिक रीजन्स द एयरक्राफ्ट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट, ये बात गलत। दोस्तों हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो तेजस होगा वो एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल होगा, जो श्रीलंका है उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट वो दिखाया है इसमें वो खरीद सकते हैं, मेरा थर्ड सही है। दोस्तों जो फ्रेंडली कंट्री होंगे हमारे उन्हीं को एक्सपोर्ट जाएगा, मेरा फर्स्ट और थर्ड सही है, मेरा आंसर है यहाँ पर बी, 1 और 3 ओनली आर करेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको हमें बताइए। अब दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।